ठीक है, अगर ये गलत होता तो भारत सरकार इसके वॉल्यूम नहीं छापी छापती। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं यहाँ अब सामने देख रहे हैं थाना पहाड़गंज, जहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर जो FIR की गई है, 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने 5 तारीख को बताई थी पूरे समाज के सामने, जो बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसी पर जो है उनके ऊपर FIR हुई है, और उसके बाद आज जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं थाने पर, और कुछ वकील लोग भी हैं। तो हमारे साथ पदम जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं। सर, जिस तरीके से 22 प्रतिज्ञाओं की बात की और उनके ऊपर FIR हो गई गौतम जी के ऊपर, ये कहाँ तक सही है? देखिए, वो तो बाबा साहब अंबेडकर ने कह रखी है, तो इसे सही और गलत का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अगर ये गलत होता तो भारत सरकार इसके वॉल्यूम नहीं छापती। भारत सरकार ने खुद जो है इसके वॉल्यूम, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाओं जिसमें जिक्र है किया है, उस उन वॉल्यूम्स को छाप रखा है। तो कुछ उन्होंने नई बात तो कही नहीं है और कुछ गलत बात नहीं कही है। लेकिन फिर भी जो है FIR हो जाती है और इतना बड़ा बयानबाजी जो है पूरी, जो केजरीवाल जी हैं वो बाबा साहब की फोटो तस्वीर लगाते हैं और बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलता हुआ बताते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर जब गौतम जी कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ सामने गाड़ी जा रही है और गाड़ी भी यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी है गाड़ी के अंदर, और थाने के अंदर जो है एंट्री हो चुकी है। लेकिन ये आप देखिए कि जो राजेंद्र पाल केजरीवाल जी के मंत्री हैं, मगर ये देखिए कि यहाँ पर जो है उनके ऊपर FIR हो गई। 5 तारीख को जो समारोह हुआ था वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की बताई गई थी, तो उसी के चलते यहाँ पर जो है आज FIR के चलते ही थाना पहाड़गंज में यहाँ पर उनको आज बुलाया गया है और FIR की गई है, और उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी मीडिया यहाँ पर आई हुई है। लेकिन ये देखिए अंदर जो है उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी जो है गाड़ी के अंदर ही है, लेकिन अभी थाने के अंदर यहाँ पहुंच रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, लेकिन जितना मैं आपको दिखा पा रही हूँ ये उतना। अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी अंदर हैं और गाड़ी के अंदर अभी माइक लगाओ। लेकिन किसी भी रिलीजियस समाजों में किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जा रहा, कुछ कुछ किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप देखिए मेरी स्पीच, चलिए 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 पूजा जी, आप गलत कह रहे हैं, आ जाइए, एक मिनट रुक जाइए, नहीं नहीं पहले हटिए, अरे अरे क्या क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है और काफी धक्का वजह से बाइट नहीं ले पाए हैं। ये अभी यहाँ पर पुलिस पूरी कस्टडी जो है यहाँ पर लगातार मौजूद है, जो कि वो बाइट लेने से मना कर रहे हैं और यहाँ पर बाइट नहीं हो पाई है उनकी, जो अभी कुछ है क्या कुछ रहेगा वो अभी उनके बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ आप सामने देख सकते हैं पुलिस स्टेशन थाना पहाड़गंज यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर पुलिस कस्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से मुस्तैद की गई है, जो है अभी यहाँ पर बाइट लेने से रोक दिया गया है। लेकिन जितना हम आपको दिखा पाए हैं तो उतना आप देखिए, ये 22 प्रतिज्ञाओं की जो बात की गई है वो बाबा साहब को कोट करते हुए उन्होंने बताया, और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं क्योंकि जो BJP के सांसद हैं वो, उन्होंने कहा कि इन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में जो है देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ है और भावनाएं आहत हुई हैं, उसी के चलते यहां पर जो है उनके ऊपर FIR की गई है। मगर देखिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब द्वारा लिखी गई हैं, तो यहां पर अभी जो है उसी के चलते यहां पर अब गौतम जी के ऊपर FIR की गई है और थाना में अभी अंदर एंट्री हो चुकी है, लेकिन बाइट नहीं हो पाई है क्योंकि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी मीडिया यहाँ पहुँची हुई है। ये आप देखिए, ये वही मीडिया है जो लगातार महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो ये मीडिया वहाँ दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी के जो FIR हुई है उसके चलते यहाँ थाने में जब वो आए हैं तो यहाँ पर पूरी भांड मीडिया लगातार पहुँच चुकी है। तो आप इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, थाना पहाड़गंज, दिल्ली।